नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं शाला दर्पण पोर्टल की। शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि शुरू कर दी गई है, जिसमें आप शाला दर्पण पोर्टल के ऊपर जाकर के प्रविष्टि कर सकते हैं। शाला दर्पण स्कूल लॉगिन आईडी पे कैसे करते हैं, इसका पूरा वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, लिंक के ऊपर जाकर के आप देख सकते हैं। शाला दर्पण के ऊपर आप परिणाम के अंदर जाएंगे तो आपको परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों के नाम से एक टैब खुलेगा, जिसमें नीचे परिणाम प्रविष्टि 23-24 के नाम से न्यू टैब है, वहाँ पे जाकर प्रविष्टि कर सकते हैं। साथ ही रीसेट डाटा पे जाकर के इसको क्लियर करके वापस आपको प्रत्येक टेस्ट को इसी तरह रीसेट करना है, तब समस्त प्रकार के यहाँ पे शो हो जाएंगे। इस तरह से आपको एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको जैसे ही आप इसके ऊपर ओपन करोगे, कक्षा मांगेगी, सेक्शन के साथ शो पे क्लिक करने पर समस्त विद्यार्थी शो हो जाएंगे। ये संपूर्ण जानकारी आपको हमारे अगले वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया उसमें प्रदान की गई है। फिर बात करते हैं स्टाफ लॉगिन के माध्यम से कैसे करते हैं। तो स्टाफ लॉगिन के माध्यम से भी आप रिजल्ट एंट्री नाम से एक ऑप्शन आता है, उस पर जाके क्लिक करके आप कर सकते हैं। इसका भी हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वीडियो आप देख सकते हैं। फिर बात करते हैं अंकों की। तो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और कक्षा 1 से 5 के लिए किस तरह से आपको अंकों का निर्धारण करना है। तो कक्षा 1-2 के लिए तो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जो कि ऑफलाइन तैयार होंगे, पूर्व की भांति 1-2 के लिए ग्रेडिंग प्रणाली के तहत होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड विद्यालय स्तर पर तैयार होंगे। 3 से 5 के लिए RKSMB के प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड होगा, जो कि लोकल एग्जामिनेशन को कंडक्ट करके बनाया जाएगा, जिसमें एनवायरमेंट की ग्रेडिंग भी सिस्टम जो कि ऑनलाइन शाला दर्पण के माध्यम से इसमें फीड होंगे, उसकी आपको कैसे एंट्री करनी है वो भी हम अलग से वीडियो बनाकर जानकारी देंगे। अभी तक इसको शुरू नहीं किया गया एंट्री को। फिर बात करते हैं क्लास 6 से 8 के लिए। तो 6-7 के एग्जामिनेशन की मार्कशीट इस तरह से बनेगी, जिसमें आपको प्रथम टेस्ट होगा हिंदी, इंग्लिश, गणित के लिए 10 नंबर का, सामाजिक साइंस और थर्ड लैंग्वेज कोई भी हो वो भी होगी 10 नंबर की। प्रथम टेस्ट सभी विषय के लिए, 6 विषयों के लिए भी 10 नंबर का होगा। सेकंड टेस्ट भी 10 नंबर का होगा। फिर बात करते हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित के लिए RKSMB के फर्स्ट जो कि हो चुका है 15 नंबर का। फिर बात करते हैं हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक परीक्षा है, जिसमें 50 नंबर होगी हिंदी, इंग्लिश, गणित का, जबकि 80 नंबर का होगा SS साइंस और थर्ड लैंग्वेज का। अब इसमें 40 की मौक लिखित होगी और 10 की मौखिक होगी, जो कि हिंदी, इंग्लिश, गणित में होगा 40+10 का, जबकि 65 का लिखित होगा, 15 की मौखिक होगी सामाजिक विज्ञान और थर्ड लैंग्वेज में। फिर अभी RKSMB के 2 जो कि जनवरी में आयोजित होगा 15 से 18 जनवरी के बीच में, 15, 16 और 18 को, तो उसका भी टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, जिसके लिए आपको RKSMB के 2 का होगा 15-15 अंकों का होगा। फिर एनुअल एग्ज़ाम है वो 70-70 की होगी हिंदी, अंग्रेजी, गणित की, जिनमें 70 में 55 नंबर का लिखित होगा, 15 नंबर की मौखिक होगी। इसी तरह यहाँ पे लिखित है वो सामाजिक साइंस और थर्ड लैंग्वेज की 100-100 की होगी, जिसमें 80 नंबर का पेपर और 20-20 की मौखिक होगी। इस तरह से फिर RKSMB के 3rd होगा जो कि 30-30 नंबर का होगा, 3 सब्जेक्ट का, केवल हिंदी, इंग्लिश, गणित का, यानी RKSMB के 3 विषयों का ही हो रहा है 3 बार, तो उसके अंकों की कटौती कर दी गई है परीक्षाओं के अंतर्गत, बाकी के वही रहेगा। इस तरह से टोटल प्रत्येक सब्जेक्ट का 200 में से ही होगा, फिर ग्रांट टोटल 1200 में से होगी, वही रिपोर्ट कार्ड बनेगा। फिर नीचे की तरफ ग्रेडिंग प्रणाली होगी कार्यानुभव, क्लास शिक्षा और स्वास्थ्य की, फिर ये रिपोर्ट कार्ड का प्रारूप रहेगा। इसकी एंट्री भी आपको शाला दर्पण पोर्टल पर प्रत्येक फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट, हाफ ईयरली और एनुअल की करनी पड़ेगी, बाकी वाले RKSMB के डायरेक्ट अपडेट कर दिए जाएंगे। फिर बात करते हैं 9th 10th की। 8th का इसी तरह बनेगा, लेकिन फिर RKSMB के 3rd नहीं होगा, तो यहाँ से 17 अंक भेजे जाएंगे और एनुअल एग्ज़ाम नहीं होगी, यानी RKSMB के 2 तक इसका सेम रहेगा 8वीं क्लास का, उसके बाद में 17 अंक भेजे जाएंगे, आगे एनुअल और RKSMB का 3rd नहीं होगा। 9th 10th की बात करें तो इसमें होगा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक साइंस और थर्ड लैंग्वेज, जिसमें 10-10 नंबर का फर्स्ट टेस्ट होगा, 10-10 का सेकेंड टेस्ट होगा, हाफ ईयरली 70 नंबर का होगा और थर्ड टेस्ट होगा 10 नंबर का, और एनुअल एग्ज़ाम 100 नंबर की होगी, टोटल 200 में से होगा। तो 3 टेस्ट 30 नंबर के हो गए, 70 नंबर वार्षिक के, अर्धवार्षिक के हो गए 100 नंबर ये, और 100 वार्षिक के, यानी 200 के हिसाब से 1200 में से ही होगा। फिर नीचे 3 जो 4 सब्जेक्ट होती है, फिजिकल हेल्थ है, राजस्थान है, कंप्यूटर है, साथ ही SUPW और आर्ट है, इसमें ग्रेडिंग प्रणाली होगी। फिर बात करते हैं 11th 12th की, जिसमें भी फर्स्ट टेस्ट 10 नंबर का, सेकेंड टेस्ट 10 का, फिर हाफ ईयरली में 70 और यदि प्रैक्टिकल है किसी के साथ में, जैसे ऑप्शनल प्रैक्टिकल है किसी की 20 की होती है, किसी की 50 की होती है, फिर इसी तरह 3rd टेस्ट 10 नंबर का होगा और 100 नंबर की वार्षिक परीक्षा होगी, यदि प्रैक्टिकल है तो 70-30 हो सकती है, 30 या 70 हो सकती है, इस तरह से ये आयोजित होगा। फिर इसमें ग्रांट टोटल 1000 होगा और फिर यहाँ पे जीवन कौशल और आज़ादी के बाद का भारत है वो, उसका भी ग्रेडिंग प्रणाली के अनुसार ग्रेड दिए जाएंगे। तो ये रहेगा सिस्टम क्लास 12th तक। तो ये रहेंगे मार्क्स के आधार, इसके आधार पर आप रिपोर्ट कार्ड बना सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।